नमस्कार जमाता दी, मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अभी चल रहा है नया साल और ऐसे में कितने सारे इवेंट, कितने सारे रिचुअल, कितने सारे त्यौहार जो है बैक टू बैक आ चुके हैं। बुध प्रदोष व्रत निकल गया और साथ के साथ पहली पुत्रदा एकादशी निकल गई और साथ के साथ अब जो आ गया है वो है पूर्णिमा का समय आ गया है। और पूर्णिमा में पोष पूर्णिमा, ये बड़ी ही विलक्षण पूर्णिमा होती है। ये महीना वैसे भी बहुत ही विलक्षण होता है और इस महीने में वैसे भी कहते हैं कि जप तप दान और खास करके पवित्र नदियों का जल डाल करके स्नान जो होता है बहुत उत्तम माना जाता है। पूर्ण होता है चंद्रमा पूर्णिमा तिथि पर और कंप्लीट चंद्रमा के दर्शन कहते हैं अगर कर लो तो आपकी जिंदगी से वैसे भी डिप्रेशन जो है वो कम होने लगता है। अब जब हम शुक्ल पक्ष के पोष महीने की पूर्णिमा तिथि की बात कर रहे हैं तो ये पूर्णिमा तिथि को शाकंभरी पूर्णिमा तिथि भी कहा जाता है। अब ये तिथि कहाँ से शुरू होगी अभी बताएंगे, लेकिन 6 तारीख को पड़ने वाला पोष पूर्णिमा का व्रत बहुत ही अद्भुत व्रत है। योग और संयोग भी अच्छे हैं, साथ के साथ बहुत फल देने वाला ये व्रत है। इस व्रत को करने से कहते हैं आपकी जिंदगी का डिप्रेशन दूर होता है। इस व्रत में भगवान सत्यनारायण की कथा तो की जाती है, पूजा की जाती है, लेकिन अगर आप कथा नहीं कर रहे हैं, सुनेंगे भी, श्रवण करेंगे अगर कथा का, तो भी आपको उतना ही लाभ, उतना ही फल मिलता है। तो व्रत अगर आप रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर व्रत नहीं रखते हैं तो एटलीस्ट कहते हैं कि इस दिन कथा, पोष पूर्णिमा की कथा जरूर सुननी चाहिए। मात्र श्रवण करने से ही आपके जीवन की सारी समस्याओं के समाधान निकलते हैं। तो आपने अगर नहीं व्रत रखा है तो कथा आज के दिन इस व्रत की ज़रूर सुननी है। पोष पूर्णिमा की कथा जो है वो आपने ज़रूर करनी है, जो कि 6 तारीख को है। अब जब बात करते हैं कि पोष पूर्णिमा पर चंद्रमा की वैसे पूजा की जाती है, लेकिन पोष महीने में सूर्य की आराधना से भी बहुत फल मिलता है और ख़ास करके इस पूर्णिमा पर, पोष महीने की पूर्णिमा पर आपको सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। सूर्य को अर्घ आप सूर्य उदय के समय का अगर आप अर्घ देते हैं तो बहुत अच्छा। वैसे भी आजकल लेट ही सूर्य निकलते हैं, लेकिन अगर आप सूर्य अर्घ जो है वो सूर्य उदय के आसपास के समय में देते हैं तो आपको ज़्यादा फल देता है। तो आपने ज़रूर 6 तारीख को सूर्य को अर्घ भी देना है और शाम को चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को भी अर्घ देना है। सूर्य का अर्घ आपने गुड़ डाल करके तांबे के लोटे में जल भर करके अर्घ देना है, लेकिन शाम को चंद्रमा को जो अर्घ देना है वो आपने कच्चे दूध से अर्घ देना है। ये दोनों अर्घ बहुत ही विलक्षण आपके लिए योग बना करके, आपके संयोग बना करके आपको विलक्षण लाभ देने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर कीजिएगा, इसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि पोष पूर्णिमा पर आपको मालूम है कि प्रयागराज में, हरिद्वार में जाकर के गंगा स्नान किया जाता है और पवित्र नदियों के कुंडों का स्नान किया जाता है, नदियों का स्नान किया जाता है। और अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, जो वहाँ के आसपास के लोग हैं वो तो करेंगे, लेकिन अगर आप वहाँ नहीं जा पाते हैं तो आपके पास गंगा जल ज़्यादातर लोगों के घरों में होता है, तो आप गंगा जल डाल करके उसमें स्नान कर लीजिए। अब मान लीजिए आपने ये वीडियो थोड़ा सा देर से देखी है और उस समय आप स्नान कर चुके हैं, तो हम नहीं कहेंगे कि सर्दियों के दिन है तो दोबारा से एक बार स्नान कर लीजिए, लेकिन हाँ, आप उन पवित्र नदियों का जो जल है आपके पास उसे पूरे घर में छिड़काव कर लीजिए, अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए, थोड़े से जल में मिला करके हाथ मुँह पैर आप गंगा जल के जल से आप धो लीजिए अच्छे से, अपने कपड़ों के ऊपर छिड़काव कीजिए, अपने घर के हर कोने में छिड़काव कीजिए, तब भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा। हर पाप, हर कष्ट आपके दूर होते हैं। अब पाप कौन से, कि मैंने किसी का जानबूझ करके नुकसान किया है, परेशान किया है, सताया है और उसके बाद हमने नहा लिया, ऐसा नहीं होता, या हमने व्रत रख लिया। पाप जो होता है वो धोया नहीं जाता है
और पाप जो अनजाने का होता है, जो आपसे बिना गलती किए, जो आपने जानबूझकर नहीं किया, जिसका आप हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे या नहीं बने थे, अनजाने में आप उस घेरे में, उस लपेटे में आ गए हो, तो उसका तो आपको प्रायश्चित मिलेगा। लेकिन अगर जानबूझकर के आपने किसी को सताया है, परेशान किया है, उनकी ज़िंदगी में आपने रोड़े अटकाए हैं, तो वो पाप को कहाँ धोया जा सकता है। आप 10 व्रत रख लीजिए, 10 पूजाएं कीजिए, 10 स्नान कर लीजिए, वो पाप नहीं धुलते हैं। तो हमेशा कभी भी किसी का भी बुरा करने का मन के अंदर विचार इसलिए कहते हैं कि नहीं आना चाहिए। क्या फ़ायदा अगर आप 10 व्रत रखते हैं, क्या फ़ायदा अगर आप पवित्र नदियों के स्नान करते रहते हैं, लेकिन मन के अंदर हमेशा आपके मैल रहता है। तो आप सबसे पहला कार्य ये कीजिए कि जब भी आप व्रत रख रहे हैं तो एटलीस्ट एक संकल्प लीजिए कि हमने आज के बाद किसी का बुरा नहीं चाहना है। ये संकल्प करेंगे तो आपके अपने आप ही पाप कटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कई बार हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में बहुत ही गलत चीज़ों को कर रहे होते हैं। कई बार ऐसी सरकमस्टांसिस, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ से आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। हमेशा अच्छे विचार मन के अंदर रखने चाहिए। कोई मैल, कोई कुछ भी तकलीफें जो होती हैं ना दूसरों को देने का प्रयास, ये नहीं मन के अंदर रखना चाहिए। आप चाहे कम व्रत करें, चाहे ज़्यादा व्रत करें, भक्ति की तरफ ध्यान दीजिए, पूजा की तरफ ध्यान दीजिए, ताकि आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों से आपको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। तो स्नान चाहे आप कम कीजिए, लेकिन आप भगवान का ध्यान जो है वो ज़रूर कीजिएगा। इस माह में खास करके, वैसे भी बहुत सारे जप तप अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन इस माह में जो पौष पूर्णिमा का व्रत है, ये ज़रूर अगर आप कर सकें तो कर सकें, अगर नहीं कर सकें तो सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर सुने, और आपको कुछ उपाय बताएंगे, उन उपायों को आप ज़रूर कर लें। अब आती है बात कि ये तिथि जो है कितने से कितने बजे तक के रहने वाली है, पूर्ण तिथि आपको कहाँ पे मिल रही है। 5 जनवरी को सुबह तड़के अर्ली मॉर्निंग 2:15 पर, मिडनाइट, उस समय तो आप सो रहे होते हैं, ये तिथि जो है आरंभ हो जाएगी पूर्णिमा की तिथि। और 6 तारीख की रात या फिर 7 की सुबह कह सकते हैं आप, ये तिथि 4:38 पर समाप्त होगी। और ये तिथि जो समाप्त होगी, ये तिथि जो आपकी शुरू हो करके 7 तारीख की सुबह में ख़त्म होगी, तो आपने जो कंप्लीट तिथि जो आपको, जिस समय आपने ये व्रत जिस दिन करना है, क्योंकि 6 तारीख की सुबह में 2:15 में, अगर 5 तारीख की सुबह में 2:15 मीन्स 6 तारीख लग चुकी है वहाँ पे, और 6 की सूर्य उदया के टाइम पर आपके पास ये पूर्णिमा तिथि होगी। तो आपने ये जो व्रत करना है वो 6 तारीख का करना है, 6 तारीख को आपने पूर्णिमा की तिथि का व्रत करना है। और 7 तारीख को आप जैसे ही ये 4:38 पर तिथि चेंज हो जाएगी, वहाँ उसके बाद में आप कभी भी इसका पारण जो है वो कर सकते हैं। ध्यान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन आपको कुछ मंत्रों का जाप इसमें ज़रूर करना चाहिए। एक, हमने कहा कि इस पूर्णिमा पर भगवान सूर्य की भी आराधना करनी है और आपने चंद्रमा की भी आराधना करनी है। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप आपने करना है सुबह के टाइम पे, दिन में जब तक सूर्यास्त नहीं होते हैं। दिन में कभी भी आप किसी भी समय भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सूर्य का अर्घ देते हैं, अर्घ देने के समय वहीं पर कुछ क्षण आप रुका करें, वहाँ पे भी आप ये जो है मंत्र जाप है 108 बार आप पढ़ सकते हैं। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप जरूर करना है। और वहीं जब शाम को आपने चंद्रमा को अर्घ देना है, वहीं चंद्रमा को अर्घ देने के बाद वहीं रुक करके कुछ क्षण ओम चंद्रमसे नमः, ये दोनों समय का मंत्र जाप आपने इस पूर्णिमा पर जरूर करना है। इससे चाहे आपकी कुंडली में कितना ही दोष चंद्रमा का बन रहा हो, अमावस्या योग का बन रहा हो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब साथ रहते हैं कुंडलियों में तो अमावस्या योग बनाते हैं,
तो अगर आपको लगता है कि आपका मन जो है अमावस्या और पूर्णिमा पर ज़्यादा विचलित तो होने लगता है, तो आपका मन ना अमावस्या पर विचलित तो होगा ना पूर्णिमा तिथि पर होगा। तो आपके दोनों ग्रह जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं, कुंडली में सबसे मुख्य भूमिका निभाते हुए ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा। तो ये दोनों के दोनों ग्रह जो है वो शांत तो होते हैं अगर आप पौष पूर्णिमा के दिन ये दोनों मंत्र के जाप सेम डे करते हैं। आप पूजा भक्ति कीजिए, आप व्रत कीजिए, आप सारी चीज़ें कीजिए, लेकिन ये विधि आपने ज़रूर करनी है। सुबह का सूर्य का अर्घ और शाम को चंद्रमा का अर्घ और प्लस सूर्य और चंद्रमा के मंत्रों का जाप, ये दोनों चीज़ें ज़रूर कीजिए ताकि आपके जीवन में हर्डल्स ना हो, आपके जीवन में रुकावटें ना हो, आपके जीवन में कष्ट ना हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।